हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज एजुकेशन अड्डा, यानी कि हमारा अड्डा। और आज का हमारा टॉपिक है मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन है क्या, इसके रिकमेंडेशंस, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये सब आज हम कवर करेंगे। मेरे जो नोट्स है वो इंग्लिश में है, पर मैं उसे हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में एक्सप्लेन करूँगा, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ जाए। एंड अगर समझ में आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। That is what is Mudaliar Commission. Mudaliar Commission. The Secondary Education Commission, also known as Mudaliar Commission, was appointed by the Government of India in terms of their resolution to bring changes in the present education system and make it better for the nation. There were total 9 members in this, and Dr. A. Lakshman Swami Mudaliar was the chairman of this committee and was also the Vice Chancellor of Madras University. After the independence, India needed a change in the education system. Number of secondary schools were increasing in India. It was much a need to take care of the student of secondary schools. So the commission has prepared a questionnaire and sent to various educational experts and teachers of India. The commission took tour on various part of the India and submitted his report on 29 August 1953. And the report consists of 311 pages, that is 311 pages. So, आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा प्रणाली में बदलाव की काफ़ी ज़रूरत थी। सेकेंडरी एडुकेशन यानी कि माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ रही थी और उनके छात्र भी बढ़ रहे थे, तो उनका देखभाल करना भी बड़ा एक प्रॉब्लम था। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए, भारत सरकार द्वारा मुदालियर आयोग के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि मुदालियर्स कमीशन का गठन किया गया, ताकि एजुकेशन सिस्टम को और बेहतरीन बनाया जा सके और हमारे डेवलपिंग में काफ़ी कारीगर हो। और इस कमेटी में टोटल 9 सदस्य थे, जिनमें से हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर ए. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। और उन सभी ने मिलकर, यानी कि कमीशन ने, पूरे जितने कमीशन के कमेटी ने, सब मिलकर एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया, यानी कि प्रश्नावली प्रिपेयर किया गया और भारत के विभिन्न शिक्षा विशेषज्ञ और शिक्षकों को भेजा, ताकि उनकी राय ली जा सके, क्योंकि वो लोग मतलब एक टाइप से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्योंकि टीचर लोग को ज़्यादा मालूम रहता है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग वहीं रहते हैं, वो देख रहे नीड्स क्या है। फिर कमीशन ने उन रिपोर्ट के आधार पर सर्वे किया और सारे रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद अपना एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया, जो उन्होंने 29 अगस्त 1953 को प्रस्तुत किया। और वह रिपोर्ट टोटल 311 पेजेस का था, यानी कि 311 पेजेस का था। Recommendations. And the first recommendation is to produce ideal citizens. The commission has realized that no nation can progress without a national feeling along with the social feeling. Therefore, it has laid down that the aim of the secondary education should be to produce such ideal citizens who, imbued with a strong national and social feeling, are prepared to shoulder their responsibility and duties and can easily offer any sacrifice for the sake of their nation. Yani ki, is recommendation mein, Aayog ne koi bhi rashtra tab tak develop nahi ho sakta जब तक वहाँ के इंसान में राष्ट्रवादी वाली फीलिंग ना हो, अपने देश से प्यार ना करे, उनमें इंसानियत ना हो। जब तक वो अपने देश से प्यार करना ना सीखेंगे, उनके अंदर इंसानियत वाली फीलिंग ना हो, तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्हें कैसे एक आदर्श नागरिक बनाया जा सके और वो कैसे हमारे राष्ट्र निर्माण में काम करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरा करने के हेतु वो कभी भी किसी बलिदान से पीछे ना हटे, यही मेन मोटो था इस पॉइंट का। सेकंड, दैट इज़ मेथड ऑफ टीचिंग एंड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वर मेड अंडर द मेथड ऑफ टीचिंग। फर्स्ट, द मेथड ऑफ टीचिंग एम्स एट इंक्लूडिंग
desirable values and proper attitudes, habit of work in the students beside imparting knowledge. सिंपली आप इसमें समझ सकते हैं, टीचिंग का जस्ट मतलब नहीं होता कि बस नॉलेज देना, नॉलेज के साथ प्रॉपर वैल्यूज, प्रॉपर एटीट्यूड, किस वे से आपको डील करना चाहिए, किस वे से बात करना चाहिए, क्या मॉरल वैल्यूज होती है, वो सब भी सिखाना चाहिए. सेकंड, द मेथड ऑफ टीचिंग शुड हेल्प द स्टूडेंट फॉर अटैचमेंट ऑफ वर्क. सिंपली हमें हमेशा सिखाया जाता है वर्क इज वर्क वर्शिप, यानी कर्म ही पूजा है, तो हमें अपने काम से प्यार होना चाहिए, तो वर्क से अटैचमेंट होनी चाहिए. यही हमारे मेथड ऑफ टीचिंग में, मतलब टीचर्स के द्वारा सिखाना चाहिए, सिखाई जानी चाहिए कि हमें अपने जो भी हमें काम मिलता है हम उसे अच्छी तरह से निभाएं और उससे अटैच्ड होकर काम करें. थर्ड इज द एम्फेसिस इन टीचिंग शुड शिफ्ट फ्रॉम वर्बलिज्म एंड मेमोराइजेशन टू लर्न थ्रू purposeful, concentrate and realistic situation. For this purpose, the principal activity method and project method should be followed in practice. So, इसमें सिखाया गया कि सिर्फ स्टूडेंट लोग को सिर्फ मेमोरी करानी या रट्टा मराना या समथिंग बाय हार्ट कर लेना नहीं कराना, आप लोग को एक्टिविटी के थ्रू भी कुछ सिखाना या प्रोजेक्ट के थ्रू भी आप लोग को कुछ सिखाना है. और ऐसे कुछ सिखाना है जैसे कि कुछ सीखे, प्रोजेक्ट भी ऐसे कुछ दीजिए जैसे कुछ सीखे. आजकल तो आप देखते हैं कुछ भी प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जिसका कोई ना मतलब होता है, पर वो प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है. फॉलो तो ये नहीं हो रहा है बट क्या कर सकते हैं. बट इसका मिशन में कहा गया था कि कुछ भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी कुछ ऐसा दिया जाए जिससे स्टूडेंट लोग कुछ सीखे. लाइक अगर कुछ एक्टिविटी दिया गया तो ऑब्वियसली कुछ ग्रुप में दिया जाएगा तो उससे कोऑपरेशन, लीडरशिप क्वालिटी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. कैसे गाइड किया जाए, किस वे से, मतलब किस वे से डायरेक्ट किया जाए जैसे वो एक अच्छा सक्सेसफुल में कन्वर्ट हो सके. सो मेनली इस पॉइंट में एक्टिविटी मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड को जोड़ दिया गया था. फोर्थ, मेथड ऑफ लर्निंग शुड इनेबल द चिल्ड्रन टू अप्लाई प्रैक्टिकली द नॉलेज गेन्ड इन द क्लासरूम टू वेरियस प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग देम. यानी कि स्कूल्स में या कॉलेज में हमें जो भी सिखाया जाता है उससे हम कैसे डील करते हैं रियल लाइफ में, किस तरह का हम यूज करते हैं, वो हमें सिखाया जाना चाहिए ताकि जो हम एडुकेशन ले रहे हैं उससे हमारे फ्यूचर में किस वजह से बेनिफिट मिले. क्योंकि अगर हम एडुकेशन ले रहे हैं बट हमें रियल लाइफ में किस तरह का यूज कर सके वही हमें नहीं मालूम, तो एडुकेशन का क्या फ़ायदा. इसीलिए इस पॉइंट में जोर दिया गया था कि एडुकेशन इस तरह का बताया जाए कि वो क्लासरूम के बाहर भी इसे यूज कर सके और अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सके. फिफ्थ, दे शुड बी गिवन एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन ग्रुप्स एंड टू कैरी आउट ग्रुप्स प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ ग्रुप लाइफ एंड कोऑपरेटिव वर्क. सिंपली मैंने अभी कहा था आप जब भी एक्टिविटी वर्क देंगे या प्रोजेक्ट वर्क देंगे तो ऑब्वियसली मोस्टली कुछ वो ग्रुप में ही होता है. अगर वो ग्रुप में होगा तो उसमें आप लीडरशिप क्वालिटी, मोटिवेशनल स्किल्स काफ़ी कुछ देखने मिलता है, किस वजह से डायरेक्शन लेता है, मतलब उसका किस वजह से क्या काम किया जाता है, किस तरीके से क्या काम होता है, और चार लोगों के बीच सबकी मेंटालिटी को मद्देनजर रखते हुए काम को कैसे आगे बढ़ा के ले जाया जाता है, ये सब काफ़ी कुछ सीखने मिलता है जो कि हमें फ्यूचर में काफ़ी काम आता है. तो ये सब इस पॉइंट में गया था. थर्ड इज को करिकुलम एक्टिविटीज. इट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एडुकेशन एंड इट शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ टू एडजस्ट सम चेंजेस. यानी कि यह हमारे एक मेन पार्ट होना चाहिए एडुकेशन का और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि टाइम टू टाइम कुछ एडजस्टमेंट भी किया जा सके, क्योंकि डायनामिक इन्वायरमेंट है, कुछ भी कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है. तो काफ़ी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसे कि कुछ टाइम टू टाइम एडजस्टमेंट या चेंज की नीड हो तो काफ़ी नीड हो सके. फोर्थ इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एक्सचेंज. मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, इसमें जोर दिया गया था कि मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज को डेवलप किया जाए और हमारा जो मतलब प्राइमरी एडुकेशन जो भी होता है उसे मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में ही लिया जाए, जो 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 बच्चे कंफर्टेबल है बोलने के लिए, बोलने में सक्षम हो. सेकंड, नेशनल और एक फॉरेन लैंग्वेज जो भी है आप लोग को एक सीखना पड़ेगा, यानी कि हमारे बोलने से इंग्लिश एक कंपलसरी लैंग्वेज हमें सीखना ही पड़ता है, वो आपको सीखना ही पड़ेगा.
Fifth, recommendation on improving exam system. Number of external exams should be reduced. Subjectivity, essay type questions should be minimized. Introducing of objective questions. The nature of tests should be discouraging cramming and encourage intelligent understanding. So tests should be concerned with rational understanding. School records should be maintained for every student, indicating work done by him. So simply आप समझ सकते हैं, इसमें recommendation में कहा गया है कि number of external exams को कम किया जाए, essay type questions को minimize किया जाए और objective type questions को introduce किया जाए और theoretical based question जो कि by heart करने वाले questions को भी थोड़ा कम किया जाए और थोड़ा general understanding वाले intelligent questions जो है उन्हें भी introduce किया जाए और proper records भी maintain किया जाए every student की जो कि जितना काम करता उस हिसाब से. And the sixth point is vocationalization of education. Diversification of courses of education programs to meet varying interest, aptitude and talent. Committee advised on provision of agriculture and technical educations. So इस point में कहा गया कि education system को थोड़ा multi-dimensional बनाया जाए, जो अलग अलग हितों प्रतिभाओं को पूरा करने के लिए सक्षम हो. और एक कमेटी भी बनाया जाए जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में एडुकेशन दी जाए और तकनीकी शिक्षा के बारे में भी एडुकेशन दी जाए. सेवेंथ, गाइडेंस इन एडुकेशन. देयर शुड बी एन अपॉइंटमेंट ऑफ गाइडेंस ऑफिसर एंड करियर मास्टर इन स्कूल्स फॉर एडुकेशन पर्सनल एंड सोशल गाइडेंस. ये प्रॉब्लम तो काफ़ी लोगों को होती है, जस्ट लाइक आफ्टर 10 या आफ्टर 12 हम किस फील्ड में जाए, क्या करें क्या ना करें, हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है. हमें मन करता है किसी से बात करें बट कोई होता नहीं है, एक्सेप्ट पेरेंट्स या कुछ क्लोज वंस, कोई गाइडेंस करने के लिए कोई खास रहता नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होता है. तो इस पॉइंट में ही कहा गया कि गाइडेंस ऑफिसर या करियर मास्टर को अपॉइंट किया जाए जो कि आपको एडुकेशन के वे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए के थ्रू आपको गाइड करे, आपको क्या आगे करना चाहिए, एक सोशल गाइडेंस आपको दिया जाए. एडुकेशन ऑफ करेक्टर. क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट फॉर बेटर डिसिप्लिन. NCC स्काउट कैंप शुड बी इनकरेज्ड. बोथ को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज शुड बी इंक्लूडेड इन स्कूल एडुकेशन. फर्स्ट एड एंड जूनियर रेड क्रॉस वर्क शुड बी इनिशिएटेड. यानी कि एक हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट के बीच रहना चाहिए कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे और ताकि उन्हें कोई डाउट भी हो तो टीचर से क्लियर कर सके, डरे नहीं. NCC स्काउट कैंप को इनक्रेज किया जाए जैसे कि बच्चे NCC में जाने के लिए प्रेरित हो. करिकुलर एक्टिविटी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी स्कूल्स में ऐड किया जाए. फर्स्ट एड एंड जूनियर रेड क्रॉस के बारे में भी बच्चों को जागरूक किया जाए. यही सब इस रिकमेंडेशन में कहा गया था. 9th, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप. सेकेंडरी एडुकेशन शुड डेवलप द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इन स्टूडेंट. दिस क्वालिटी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज होल. किसी भी काम के लिए एक लीडर की काफ़ी आवश्यकता होती है जो सारे काम पे नज़र रखता है, एक प्रॉपर डायरेक्शंस देता है. सो सेकेंडरी एडुकेशन में क्वालिटी ऑफ लीडरशिप को डेवलप करने के लिए कहा गया है जो कि वेरी नेसेसरी फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज होल. 10th, टू डेवलप ह्यूमन वर्च्यूज / मॉरल एडुकेशन. Man is a social animal, so he should have the spirit of cooperation, discipline, humility, love, kindness and feeling of brotherhood. The curriculum must have such subject which may include those virtues in student. Science, literature, fine arts, humanities, music and dance are some of such subjects. इंसान एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके पास सहयोग, अनुशासन, विनम्रता, प्रेम, दया, भाईचारा की भावना होनी चाहिए. और यह सब जो क्वालिटी हमें स्कूल में सिखाई जाती है और स्कूल्स में के थ्रू हमें सिखाई जानी चाहिए, इससे आप मॉरल वैल्यूज़ भी कह सकते हैं. सो ये मॉरल वैल्यूज़
हमें स्कूल्स में सिखाई जानी चाहिए। यही मेन था इस रिकमेंडेशन का कहना कि हमें कि ये सारी जो क्वालिटी है जो कि मॉरल वैल्यूज़ है ये हमें सिखाई जानी चाहिए अपने स्कूल्स में। पॉइंट नंबर 11, इम्प्रूवमेंट इन टीचर स्टेटस। ये कमीशन ने रिकमेंड किया था टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ टीचिंग स्टाफ टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द टीचर। पॉइंट नंबर 12, टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर द बेटर फ्यूचर। अ टीचर शुड बी वेल ट्रेंड एंड फुल कैपेसिटी टू हैंडल स्टूडेंट्स। काफ़ी ऑब्वियस बात से एक वेल ट्रेंड टीचर काफ़ी अच्छा वे से पढ़ाता है। उनकी वे ऑफ डीलिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ मेक देम अंडरस्टैंड काफ़ी अलग रहता है। इसलिए टीचर ट्रेनिंग भी काफ़ी मस्ट होनी चाहिए। एक वेल क्वालिफाइड टीचर ही आनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। पॉइंट नंबर 13, रिकमेंडेशन ऑन टेक्स्ट बुक। अ हाई पावर टेक्स्ट बुक कमिटी शुड बी कंस्टिट्यूटेड फॉर सिलेक्शन एंड रिफॉर्म्स। फ्रीक्वेंट चेंज इन टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब फॉर स्टडीज शुड बी डिस्करेज्ड। सिंगल टेक्स्ट बुक शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब फॉर एवरी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। बुक शुड नॉट स्प्रेड हेट्रेड एनिमिटी अगेंस्ट एनी कम्युनिटी और रिलीजियस और सोशल कस्टम्स। सो इस पॉइंट का कहना है एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जो कि सिलेक्शन और बुक का प्रोसीजर में ध्यान दे। बार बार परिवर्तन जो बुक्स में आती है उसे डिस्करेज किया जाए। सिंगल टेक्स्ट बुक शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब फॉर एवरी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, यानी कि अध्ययन के लिए एक ही पुस्तक का उपयोग हर बार नहीं होना चाहिए। और जो बुक्स है वो किसी भी समुदाय, धर्म या सामाजिक रीति रिवाज के खिलाफ नफरत या दुश्मनी को बढ़ावा या नफरत नहीं फैलानी चाहिए। इन शॉर्ट किसी भी धर्म, सामाजिक, किसी भी चीज़ को, रीति रिवाज या समथिंग जो भी है, किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। सो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो आप सब समझ गए होंगे। नाउ हेयर वी कम्स टू द मेरिट ऑफ दिस कमीशन। The first merit is that it activity-based education. Obviously, MUDALIAR Commission ने activity को काफ़ी importance दिया था, तो activity-based education तो था ही है, तो ये one of the merit है इस commission का। Stress on agriculture education. This commissions have put more importance on agriculture education, तो ये भी एक merit है। Child-centered education. ऑब्वियसली इसमें तो चाइल्ड सेंटर्ड एडुकेशन था ही, पूरा कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, बच्चे को किस वे से अच्छा बढ़ाया जाए, सेल्फ डेवलपमेंट किया जाए, चाइल्ड सेंटर तो था ही। इम्प्रूवमेंट इन टीचर्स सैलरी एंड पोजीशन, इस कमीशन में टीचर्स की सैलरी के बारे में भी कहा गया। को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में भी कहा गया था। नो मोर स्ट्रेस ऑन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को कम करने के लिए कहा गया था, ये भी एक अच्छी पॉइंट थी। स्ट्रेस ऑन मल्टीपर्पज स्कूल, मल्टीपर्पज स्कूल खोलने के बारे में भी कहा गया था इस कमीशंस में। सजेशन टू ओपन टेक्निकल नियर इंडस्ट्री, इस कमीशन ने सजेस्ट किया था कि टेक्निकल स्कूल्स खोला जाए नियर इंडस्ट्री का, जो कि इंडस्ट्री में हेल्प किया जाए, जो कि टेक्निकल जो भी स्टडी करके आया डायरेक्ट इंडस्ट्री में रिक्रूट हो पाए और वहाँ टेक्निकल जो भी वो ट्रेनिंग लिया है इंडस्ट्री में काफ़ी हेल्प होगा उनसे। नाउ द वीकनेस ऑफ द कमीशन, दैट इज डी मेरिट ऑफ द कमीशन। द सजेशन आर गिवन इन सो हैज सो प्रॉब्लम स्टिल अराइज, जो कि कमीशन ने सजेशन दिया था काफ़ी लेंथी में दिया था, काफ़ी हेस्ट में दिया था, जो कि प्रॉब्लम स्टिल अराइज हो रही थी, यानी कि सजेशन जो भी था ना काफ़ी जल्दबाजी में दिया गया था, तो प्रॉब्लम जो थी अभी भी बरकरार थी, कुछ खास चेंजेस नहीं आए थे। नो सजेशन रिगार्डिंग वोमेंस एडुकेशन, वोमेन के बारे में कोई कुछ खास कहा नहीं गया था, कोई सजेशन नहीं दिया गया था वोमेंस एडुकेशन के बारे में। स्टिल स्ट्रेस ऑन इंग्लिश, इंग्लिश को ऊपर आज भी वही स्ट्रेस था कि इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। ओवरबर्डन करिकुलम, करिकुलम तो काफ़ी लेंथी था, इसे समझना बड़ा डिफिकल्ट था, तो करिकुलम तो ओवरबर्डन था ही। तो ये थे डिमेरिट्स ऑफ द कमीशंस। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।